हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.3 से पहले तीन एग्जांपल करे थे। एग्जांपल नंबर 9, 10th और 11th, और उसमें हम कर रहे थे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें जो उनके हल हैं सॉल्यूशन वो इमेजिनरी आ रहे थे, आयोटा की फॉर्म में आ रहे थे, क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं b² - 4ac, वो माइनस में आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है x² + 3 = अगर 0 है तो x² की वैल्यू ये 3 राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा -3, और x की वैल्यू जब भी स्केयर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके प्लस माइनस, और जो राइट साइड में नंबर है उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा -3। तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस वर्गमूल 3 × -1, और ये जो वर्गमूल है स्केयर रूट वो दोनों नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। एक्स बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 3 × -1, तो एक्स बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 3, और जो वर्गमूल -1 होता है आपको बताया हुआ है कि भी वो आयोटा होता है, तो इसके साथ आयोटा लग जाएगा, यानी कि इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए। कौन कौन से? एक तो वर्गमूल 3 आयोटा और एक माइनस वर्गमूल 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x + 1 = 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ से आपको मिल रहा है a = 2 और b = यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका जो कोफिशियंट है जिसको गुणांक बोलते हैं हिंदी में, तो वो 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, तो b की वैल्यू है 1 square - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, तो 1 square - 4, a की वैल्यू 2 है, तो 4 × 8 × 1 = 8, तो ये 1 - 8 हो जाएगा, यानी कि ये -7 में आ जाएगा, नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव का मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा जो इसके हल आ गए हैं सॉल्यूशंस x = -b± √d/2a, ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो b की वैल्यू 1 + √-7/2a, a का मतलब 2, तो ये हुआ -1 + √, इसको आप लिख सकते हो 7 × -1/2 = 4, तो ये हुआ -1 + -, एक बार रूट 7 के ऊपर आ जाएगा और एक बार रूट -1 के ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, और रूट -1 का मतलब आयोटा हुआ, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब -1 + √7 / 4, तो ये इसके आंसर आ गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करना है x² + 3x + 9 = 0, x² + 3x + 9 = 0, कंपेयर करें अगर हम इसको ax² + bx + c = 0 से, तो आपको मिलेगा a = 1, b = 3 और c = 9। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें अगर b² - 4ac, तो ये आएगा 3² - 4 × 1 × 9, तो ये हुआ 9 - 4 = 36,
तो ये आपके पास आ जाएगा -27। तो ये भी लेस देन जीरो है। तो अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी ओवर 2a। तो -b का मतलब हो गया 3 प्लस माइनस अंडर द रूट डी का मतलब हुआ -27 ओवर 2a, ए का मतलब हुआ, तो ये हुआ -3 प्लस माइनस रूट 27। तो इसको लिख सकते हैं 27 इंटू -1 ओवर 2, सो इट इज -3 प्लस माइनस रूट 27 और रूट -1 के ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ -3 प्लस माइनस रूट 27 और रूट -1 होता है आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और जो 9 है, 9 का रूट 3 होता है, तो यानी कि हो गया -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका सॉल्यूशन।